हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और देखिए, मेरे चैनल बनाने का मकसद ही है कि आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी सी बातें पहुँचाई जाए। जितनी मुझे नॉलेज है, मैं डॉक्टरों के हिसाब से और एक डाइटिशियन के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही मैं आपको बताती हूँ। और प्लस मेरे पास एक हेल्दी कम्युनिटी है, जो बहुत अच्छे कोच हमारे पास हैं। मैं खुद एक कोच हूँ और उसी नॉलेज को आपको बांटती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है जो आपको बहुत सारी बातें बता पाएँ। तो यहाँ से आपको बहुत सी नॉलेज मिल सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो कुछ ऐसी एक वीडियो लेके आई हूँ, जो उसमें मैं ये आज 50+ वालों के लिए आज की वीडियो है कि बढ़ती हुई उम्र में 50 के बाद कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। उससे होने वाले फ़ायदे भी बताऊंगी और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर वन पे आप फ्रूट में पपाया को सिलेक्ट करें। देखिए, पपाया बहुत अच्छा फ्रूट है। जिनको डायबिटीज़ भी होती है, जिनके लिए फ्रूट मना करते हैं, उनको भी डॉक्टर पपाया खाने को सजेस्ट करता है। पपाया जो है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम अगर है तो वो दूर हो जाती है। और अगर पेट साफ रहता है, सबसे बड़ी बीमारी पेट से ही शुरू होती है। अगर पेट हमारा साफ रहता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पपाया में एंजाइम और पेपाइन नाम के न्यूट्रिशन होते हैं, जिनके खाने से जो है तो हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और हमारा अंदर से सब मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और हम स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा है, विटामिन सी और विटामिन ए। विटामिन ए पता है कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है सी और ए। तो जो लोग पपाया खाते हैं वो खुश हो जाएं कि उनके अंदर एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, उनकी स्किन ग्लो करती है। और बुढ़ापा सबको आना है, लेकिन थोड़ा इस प्रोसेस को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करिए जिससे आपको बुढ़ापा थोड़ा देर से आए और आपकी स्किन ग्लो करे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। और बहुत सारी जो एक्ने आ जाते हैं, स्किन वाली प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। देखिए, किसी को झाइयों की प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, और बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा स्किन लटक जाती है, झूल जाती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में पपाया को, जो आफ्टर सबके लिए फ़ायदेमंद है, सबको खाना है, लेकिन जो 50+ वाले हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान दें इस चीज़ को। नंबर टू पे आता है एप्पल। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा और ये कहावत सुनी है कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अगर जो लोग एक एप्पल खाते हैं, डॉक्टर उनसे दूर रहते हैं। तो ये इसलिए कहा गया है कि एप्पल खाने वाले जल्दी बीमार नहीं होते, उनका स्टैमिना बिल्ट होता है, वो स्ट्रांग उनकी बॉडी होती है, उनके अंदर खून की कमी नहीं होती है। तो हमें अपनी डाइट में एप्पल को शामिल करना है। एप्पल में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसमें फाइटोन्यूट्रिशन होता है। एप्पल हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन होता है और एचडीएल जाता है, एचडीएल हमारा लेवल बढ़ता है। तो इससे हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। तो उम्मीद है कि जो 50+ वाले हैं वो एप्पल ज़रूर खाएंगे। वैसे सबके लिए हेल्दी है, एप्पल खाना चाहिए। नंबर तीन पे मैं बात करूँगी रेजिन किशमिश की। किशमिश क्या है, आप सब जानते हैं कि ग्रेप्स को ही ड्राई करके है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है तो आयरन है, पोटाशियम है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है। किशमिश हमारे बोन्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और किशमिश हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें नेचुरल शुगर होती है। बस एक चीज़ आपको अलर्ट करना है कि जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर पेशेंट हैं, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और जो लोग ये खाएं भी तो बहुत एतदाल में खाएं, थोड़ी खाएं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना है।
बहुत एनर्जी भी बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल शुगर है। आपको किशमिश को भी अपनी डाइट में शामिल करना है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं कुछ चीज़ों की बात कर रही हूँ। नंबर चार पे लेमन की बात कर रही हूँ कि लेमन हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पता है इसमें बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनको डेली लेमन की सलाह देते हैं डॉक्टर कि आप नींबू को अपने डाइट में शामिल करिए, नींबू पानी पीजिए, सलाद में डालिए। तो जो 50 की उम्र वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है, और एंटी एजिंग जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है। मतलब देखिए, जो एज हमारी झलकती है स्किन से ना, तो हमारी एज पे काम करता है। हम ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बूढ़े होने लगें, तो लोग अपनी डाइट में लेमन को ज़रूर शामिल करें। इसकी वजह से उम्र का पता नहीं चलता है। जो लोग लेते हैं लेमन, उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, उनकी स्किन भी ग्लो करती है, उनके अंदर झुर्रियाँ और बहुत सारे जो स्किन के जो रिलेटेड प्रॉब्लम हैं वो जल्दी नहीं आते हैं। तो आप अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदेमंद हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बात की। आपको उन सबको अपनी डाइट में शामिल करना है। आप देखिए, जब 50 प्लस होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग एनेमिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है तो बोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। जो एनेमिक लोग हैं तो वो आपने सुना ही है कि टमाटर बहुत अच्छा होता है, चुकंदर बहुत अच्छा होता है, जिसको बीट रूट कहते हैं। तो आप अगर बीट रूट का जूस निकाल के पिए घर में ही, तो ये आपके ब्लड को जो है बढ़ाने का काम करेगा। आप एनेमिक नहीं रहेंगे। और एक चीज़ है, जो लोग बीट रूट इस्तेमाल करते हैं, किसी हद तक वो कैंसर के भी उससे बचते हैं। तो आपको बीट रूट का जूस निकाल के पीना है, चाहे उसकी सब्ज़ी बनाना है, उसको सैलेड के तौर पे लेना है, और उसके साथ मिंट है, टोमाटो है, ये सब चीज़ें आप अपनी अगर डाइट में शामिल करेंगे ना, तो ये हर एज वालों के लिए है, लेकिन ख़ास करके 50 प्लस वाले ज़्यादा ध्यान दें कि इनको हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। जहाँ मैंने बात की है ये इन फ्रूट्स की, जहाँ मैंने बात की है किशमिश की, वहीं मैं कहना चाहूँगी कि आप वॉलनट को भी अपने डाइट में शामिल करें। वॉलनट बहुत अच्छा है। देखिए, इसकी शेप ही कुछ बना रहता है, जैसे ब्रेन की तरह होता है, ये हमारे ब्रेन पर काम करता है। और ब्रेन हमारा अच्छा होता है तो हम बढ़ती हुई उनमें एक एंजाइटी की बीमारी आ जाती है, लोग भूलने जल्दी लगते हैं, तो उससे बचा जा सकता है अगर हम वॉलनट को डेली अपनी डाइट में 2 वॉलनट शामिल कर दें। आलमंड बहुत अच्छा है, ये हर एज के लिए अच्छा है, और ख़ास करके जो 50 प्लस वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में भीगा हुआ बादाम मॉर्निंग में ज़रूर लें 4 से 5, और इवनिंग में वॉलनट ज़रूर ले लें 2। उससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर जो जॉइंट की परेशानी आती है ना, हम गैप आने लगता है नी में, और यहाँ कोहनियों में आपको इसमें एल्बो में दर्द होने लगता है, शानों पे दर्द होता है, कंधों पे, बहुत सारे लोगों को गर्दन के नीचे, कमर में दर्द, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जॉइंट्स कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे एजिंग उसमें हम जाते हैं प्रोसेस में, हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लगती है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो चीज़ें पहले कुदरती तौर पर बनती थी वो धीरे धीरे करके पहले कम होती हैं, फिर बनना बंद हो जाती हैं, हमें ऊपर से ही उसको ऐड ऑन करना होता है। तो अगर हम अच्छी चीज़ें, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी सबको एक बार दी है, इसकी हिफाजत करना है, इसको देखना है। बहरहाल जाना सबको है, लेकिन सेहतमंद ही दुनिया से जाएं तो बहुत अच्छा है, ना हम बीमार हों और ना हम अपने घर वालों को परेशान करें। तो मेरी बात
समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी फीलिंग को समझिए, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ प्रॉब्लम आती है, तो इस एज में इंसान, मैं नहीं चाहती कोई बेड पे जाए और कोई फिर दूसरा उसकी टेक केयर करे। हमेशा आप किसी भी उम्र में हो, वो एक नंबर है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी बॉडी पे काम करके, अपनी हेल्थ पे काम करके, अपनी हेल्थ पे काम करेंगे तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि हम 50 के हो गए या 60 के हो गए हैं। आप एक जवान लोगों की तरह काम कर सकते हैं। आप अपना दिल जवान रखिए, आप अपना खाना पीना अच्छा रखिए। आई होप कि मेरे जो है बेस्ट विशेष सबके साथ हैं, जो हमारी उम्र वाले लोग हैं और जो अभी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बीमार हैं उनको भी मैं मोटिवेट करूँगी कि अपने आप को बिल्कुल बीमार मत समझिए, अपने खाने पीने को अच्छा करिए। जब यहाँ से होता है, जब आप जो है ना हमारा पेट में अच्छी चीज़ें जाएंगी, हमारा पेट भी जो ना वो सेकेंड ब्रेन हमारा है। जैसे ब्रेन हमको एक इशारा देता है, संकेत देता है कि ऐसा हो रहा है, तो हम इसमें भी अच्छी चीज़ें डालें। अच्छी चीज़ें डालेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो खुश रहेंगे। आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अच्छा सोचने समझने की, अच्छे फैसले लेने की सलाहियत रखेंगे। तो आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स के ज़रूर ज़रूर बताएं कि मुझे मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।